चांद बना दिया तूने इसको, ईद का चांद नजर आ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज से 2300 रोजा और अपन तो अपना आज ब्लॉग हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बज रहे हैं अभी 4, क्योंकि थोड़ा काम था और मैं सो भी गया था, तो इसके वजह से मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर रहा क्योंकि काम था मेरे को थोड़ा। तो चलिए, ब्रेड लाने के लिए हम चिल्लर जमा कर रहे थे तो भाई ने मंगा दिया ऑनलाइन। हाँ ना, नहीं नवी नहीं। दूध था ना घर में? नहीं, वो तो पापा की था ना, महंगा वाला। गाइस जूस बनाने गए। सो गाइस, ये सस्ते वाले आम है, 150 रुपये डजन। तो गाइस हमने 4 डजन लिए, 600 रुपये किलो। तेरे ससुराल का बाग है क्या? नहीं, मेरा ससुराल ही देने के लिए। मित्र परिवार आजम भाव नदाब, मित्र परिवार आदम भाव नदाब। इफ्तार का टाइमिंग हो चुका है, आज फ्रूट्स काटने वाला है अलाउद्दीन। सो गाइस अलाउद्दीन काट रहा है आज फ्रूट्स। ये रहे चम्मच, उसमें का निकाल सकते। अच्छे अच्छे पीसेस करा। कैसे 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 पीसेस कर रहा है। बस 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 मत कर उसको, रख आराम से। भाई भी जुड़वा है, इन दोनों को इतनी फ्रेंडशिप पसंद थी इसलिए पैदा खुद हुए जुड़ के। हाँ, तू तो अलग टेक्निक से काट रहा है, स्टाइल बोलते। अरे रे रे, इतना शाव। अरे इतने बारीक बारीक मत काट। तो भाई ये सब सही काट रहा हूँ, थोड़ी सी जलन हो रही है। चांद बना दिया तूने इसको, ईद का चांद नजर आ गया इतने जल्दी। तो गाइस ईद का चांद तो हमें दिखा नहीं है, मतलब कुछ भी फेंक हम खाती। वाह, अरे वो कितना कर गंदा। अरे अच्छे अच्छे पीसेस कर, पहली बार दिए कट करने को, खराब कर रहा है पूरा। तो गाइस कितना मस्त काट रहा हूँ मैं। अरे बस 2 मिनट लिए तूने उसको काटने को। अरे क्या कर रहे, उसके साथ खेल मत कर। तो गाइस ये देखो मेरी टेक्निक। तो गाइस ऐसे काटा है मैंने। तो गाइस बेस्ट फ्रूट का अवार्ड मिलना चाहिए इसे। वो लेस का ऐड दिखाते ना, उसमें ऐसे ही कट करते हैं। तो मैं कॉपी नहीं करता, उन्होंने मेरी कॉपी की है। अच्छा, कॉपीराइट दे दे फिर उनको। तो गाइस मेरे से कॉपीराइट क्लेम आपका, तो उसका चैनल डिलीट नहीं हो जाएगा। ये ऐड है, वो चैनल नहीं है, चैनल पर भी है। बस सिर्फ बड़े बड़े रहने दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस मैं कितने अच्छे तरीके से काम करता हूँ, फिर भी इसको जलन होती है। पगार बढ़ाना पड़ेगा तेरा। मैं तुझे खुद पगार पे रखता हूँ, तू मेरी पगार। बस बस वो तू खा साइड में रख उसको, तू खा एप्पल काट। अब
अब बन रहा है जूस और सब में बटेगा, कट तो चुका है जो रोज़ा है उसमें उसको बटेगा। सो गाइस ऐसा ही करते हैं हमेशा, जो रोज़ा रहता है उसे जूस वगैरह कुछ नहीं देते, सिर्फ ये फ्रूट्स खाने के लिए देते हैं, बाकी तो खुद हड़प जाते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में पिन करना है सही है गलत। तो गाइस जिस जिसका सही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सही है, वहाँ उस जगह पर लिखना खाओ ओपी, और जो मैं गलत मतलब गलत होगा वो लिखना फ्री का, ऐसे कुछ कमेंट कर देना, मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा मैं सच बोल रहा हूँ या वो गलत बोल रहा है। सो गाइस कितने धीरे धीरे से काट रहे हैं, अरे जल्दी कर अम्मी का ग्लास। सो गाइस ग्लासेस भी नहीं लाया अभी तक, गाइस बन रहा है। तो गाइस बनाने नहीं आता, फ्रूट कट भी इसे करने नहीं आता और मुझे थमा देता है, कट कर के दिखा दे, मतलब तूने एक दिन काम किया तो वो बोल के सुना रहा है, ये तो सीन सही है ना। तो गाइस टाइम हो चुका है, फिर भी ये अभी शरबत बनाने में बिजी है। अल्लाह हमारा का संतु बिका मंतु आए का तबक्कल तू आरती का छोड़ रे छोड़ मंजो ना चम्मच। गाइस ये मैंने बनाए थे आज घर पर, कुछ काम धंधा नहीं था, स्कूल से आया और सीधे इसे बनाने के लिए लग गया। तो गाइस कैसा लगा है देखना, और मैं इसकी रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, देख लेना वहां से। हमारा सस्ता वाला चीज डबल एक्स्ट्रा लार्ज पिज्ज़ा, स्मॉल पिज्ज़ा, तो गाइस थोड़ा स्मॉल है फिर भी बोलना चाहिए लार्ज है क्योंकि एक तीन का मिक्सचर है। तो गाइस काफ़ी टेस्टी होता है, हो चुका है टाइम, इसलिए भाई साहब दुआ मांग रहे हैं, कितनी देर के बाद हो चुका है और छोड़ने का वक्त भी हो चुका है। तो गाइस उसका तो हो चुका है मगर मेरा ये वाला, तो गाइस इस पर एक चीज की लेयर गायब हो चुकी है, कितने गायब की। सो गाइस अम्मी ने बनाया है एकदम हैदराबादी स्टाइल हलीम, एकदम डेकोरेट किया है आपको दिखाने के लिए, ऑनियन फ्राइड ऑनियन और नींबू, एकदम चांदी वाली प्लेट, चांदी वाली नहीं है डुप्लीकेट चांदी है। अभी हम हलीम खाते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।